हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखोगे, सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना पड़ेगा। यहाँ से हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखोगे बोट एंड स्ट्रीम, यानी हो गया आपका नाव और ये हो गया आपका जो करंट होगा ना पानी का, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ करंट बोलेंगे। तो ये हो गया स्ट्रीम, ठीक है। तो देखोगे सबसे पहले एक वर्ड आएगा आपके पास, स्टील वाटर। तो ये स्टील वाटर क्या होगा? तो देखोगे यहाँ पे क्या होगा कि स्टील वाटर, सपोज ये क्या है, एक रिवर है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक रिवर है। तो अगर ये रिवर का जो पानी है ना, अगर ये क्या हो कि इसका स्पीड ना हो, ठीक है, ये शांत है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ वाटर इन अ रिवर इज ज़ीरो, देन क्या होगा आपका स्टील वाटर, ये होगा। यानी आपका यहाँ जो पानी होगा उसका स्पीड क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो होगा किसका, स्पीड ऑफ वाटर इन अ रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रीम वाटर। तो स्ट्रीम वाटर, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया ही था, जस्ट पानी का बहाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिवर में पानी का कुछ स्पीड होगा, यानी पानी किस में होगा, मोशन में होगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि स्पीड ऑफ वाटर इन अ रिवर इज मूविंग, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ क्या होगा, ये मूवमेंट होगा इसका, वाटर का, ठीक है, यानी स्पीड होगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम वाटर। एंड द नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट मीन्स क्या हो गया कि अब ये जो नाव है ना, मान लेते हैं यहाँ पे सपोज ये नाव, ये बोट है आपका, तो इसका कुछ स्पीड होगा किस पे, आपका रिवर पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। तो अगर ये कोई अगर बोट अगर रिवर पे जा रहा है इस तरह से, तो उसका जो पोजीशन हो जाएगा वो डाउन अगर हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका, डाउन स्ट्रीम मोशन होगा। और अगर इसका पोजीशन ऊपर की तरफ हो, अगर इस तरह से अगर पोजीशन हो जाए ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, अपस्ट्रीम मोशन। बट अब ये डाउन और अप, ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिवर का भी ले लेते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो गया वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब देखोगे यहाँ पे, अब मान लो सपोज अगर रिवर इस तरह से, अगर उसका जो फ्लो है इस साइड है, ठीक है, और यहाँ से एक बोट है, ये भी इस साइड जा रहा है, यानी इसका स्पीड जो है कुछ तो स्पीड होगा, बट उसका फ्लो क्या है, इस साइड है, और बोट भी इधर ही जा रहा है। तो अब किसी को फोर्स करोगे तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, बट इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, अचानक से आप जा रहे हो, आपको पुश कर दिया जाए तो क्या होगा, आगे की तरफ आप झुक जाओगे, यानी क्या होगा, डाउन होगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम मोशन, अगर हम लोग स्पीड में बोले तो स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना बोट का और साथ में किसका, रिवर का, दोनों को क्या करेंगे, प्लस। तो इसका फार्मूला होगा x प्लस वाई एन यूनिट किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर उल्टा, अगर यहाँ पे ये है आपका फ्लो इस साइड रिवर का, बट अब यहाँ पे एक नाव है इस साइड आना है, यानी इसके अपोजिट साइड आना है, तो इस समय क्या होगा, तो अब इसको अगर ये फोर्स कर रहा है, ये भी इस साइड आ रहा है, इसका फोर्स इधर है, इसका फोर्स इधर है, यानी इसका मोशन इस साइड, इसका मोशन इस साइड। तो अब यह देखोगे तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो ये आ पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर रिवर का स्पीड ज़्यादा हो तो ये डूब जाएगा, है ना। तो अगर ये आना है इस साइड, इसका स्पीड क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अब आगे की तरफ से उसको पुश करोगे तो पीछे की तरफ जाओगे, यानी अप हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा अप होगा। सो ये इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्पीड अप स्ट्रीम मोशन, यानी हो गया एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्पीड किसका ज़्यादा होना पड़ेगा, हमेशा बोट का ज़्यादा होना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर स्पीड ऑफ रिवर का अगर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा।
क्लियर हो गया। तो इसे हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग अगर निकालते हैं, मान लेते हैं, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो अगर आपको फाइंड करना होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, अब क्या करोगे? आपके पास गिवन है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम अगर गिवन है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बोट इन स्टील वाटर, ठीक है? और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कैसे फाइंड करोगे? आपके पास गिवन क्या है? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी हमारा जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर क्या था, x किलोमीटर पर आवर था, और रिवर का स्पीड क्या था, तो या फिर आप पानी का बोल सकते हो स्ट्रीम का, y किलोमीटर पर आवर, ये था आपका, ठीक है? तो अब यहाँ पे होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, यानी x किलोमीटर पर आवर था, बट अब लाओगे कैसे? तो देखोगे, अगर हम इसको अगर प्लस करें तो ये क्या होगा, वाई वाई कैंसिल होगा, यहाँ x x मिलकर कितना होगा, 2x होगा। तो इसे x लाने के लिए हमें 1 बाई टू से क्या करना होगा, इंटू करना होगा। सो क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई टू एंड देन इंटू स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है? अगर इसको हम लोग ले ले u से डिनोट कर ले और इसको v से डिनोट कर ले, तो u प्लस v होगा, क्लियर? यानी आपको फाइनल रिजल्ट्स क्या मिलेगा, x किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा, ठीक है? अब हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर फाइंड करना है तो इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा, देखोगे अभी हमें क्या लाना है, y किलोमीटर पर आवर। कैसे लाएंगे इसको, अगर इससे माइनस कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो y y मिलकर 2y होगा, और एक नीचे चाहिए 1 बाई टू, यानी हो गया 1 बाई टू इंटू, इसको हम लोग ले लेते हैं u से, इसको ले लेते हैं v से, तो ये आपको फाइनल क्या मिलेगा, y किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा। तो देखोगे इस बोट एंड स्ट्रीम्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे। और एक कंसेप्ट आप याद रखोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन कैन रो विथ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टील वाटर। तो व्हाट विल बी हिज स्पीड विद द स्ट्रीम, अब देखोगे विद द स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रीम के साथ। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दे दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों x हम लोग क्या लिए थे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बाय स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर, तो ये कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? नेक्स्ट y हम लोग क्या एज्यूम किए थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हो, रिवर बोल सकते हो, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी वाई का वैल्यू आपका क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि स्पीड फाइंड करना है विद द स्ट्रीम, तो विद द स्ट्रीम के साथ मतलब क्या हुआ, यानी रिवर के जो स्पीड है उसके साथ। तो हमारा जो पोजिशन होगा वो क्या होगा, पोजिशन आपका डाउन होगा। और दूसरा बात, अब यहाँ पर हमारा जो मेन का जो स्पीड था और वाटर का स्पीड, दोनों का स्पीड क्या होगा भाई, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि उसके साथ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अब ये हो गया डाउन स्ट्रीम, है ना, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई था, यानी 6 + 2 हो जाएगा आंसर, यानी हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अगर यही पूछता कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी उसके अगेंस्ट, तो यानी अप स्ट्रीम, अगेंस्ट मीन्स हो गया अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम अगर आपसे पूछता तब क्या होता, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम ये हो जाता x माइनस वाई, यानी मेन से हम लोग क्या करते, रिवर के स्पीड को माइनस कर देते, तो 6 - 2 क्या हो जाता, 4 किलोमीटर पर आवर। बट आपसे पूछा गया है सिर्फ स्पीड विद द स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अगर ये पूछता, अगर अपस्ट्रीम अगेंस्ट अगर पूछता, तब हमारा होता अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट क्या लिए थे हम लोग, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर x एज्यूम किए थे, जहां पे हमारा दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है?
एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, यानी रेट ऑफ स्ट्रीम को हम लोग क्या डिनोट किए थे, y से. सो ये गिवेन है 4 किलोमीटर पर आवर. देन आपसे पूछ रहा है क्या, देन फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड. तो अपस्ट्रीम यानी उसके अगेंस्ट. तो जब भी अपस्ट्रीम अगर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बोट से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर दोगे और आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगा फिर आंसर. ठीक है, और दोस्तों और एक बात याद रखोगे, जब भी डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, तो यहाँ देखोगे डाउन स्ट्रीम में समय जो है ना, टाइम जो है कम लगता है, और अप स्ट्रीम में टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है. क्यों? क्योंकि देखोगे डाउन स्ट्रीम में क्या है, वो तो रिवर का भी स्पीड को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का भी जो फ्लो है उसको भी हम लोग प्लस कर रहे हैं, उसके भी स्पीड को प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, जल्दी जाता है. इसलिए डाउन स्ट्रीम देखोगे 8 किलोमीटर पर आवर हो गया. और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि उसके स्पीड से उसको रोक फोर्स देखे उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है ना. तो उस समय कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग उस जो रिवर का स्पीड को वो माइनस कर रहा है. ठीक है, तो इस समय वो उसका स्पीड और कम जाता है. ठीक है, तो इसमें टाइम क्या होगा, आपका ज़्यादा लगेगा. ये कंसेप्ट आप याद रखोगे, क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट से भी हमारा क्वेश्चंस को आंसर को हम लोग निकालेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है कि शांतनु कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहाँ देखोगे गिवेन है कि अप स्ट्रीम यानी स्पीड दे दिया हुआ है अप स्ट्रीम, और एक दे दिया हुआ है स्पीड डाउन स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, अप स्ट्रीम बोल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर है, एंड डाउन स्ट्रीम क्या है, तो डाउन स्ट्रीम बोल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर. ये आपके पास गिवन है. अब फाइंड करना है कि फाइंड द मेन्स रेट इन स्टिल वाटर, यानी मेन का जो स्पीड होगा वो शांत जल में कितना होगा. तो फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जब अप स्पीड है और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम है, तो उस समय इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा. ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कि मेन स्पीड ये क्या हो जाएगा, हाफ, एंड देन इन दोनों को प्लस कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 18, यानी हो गया हाफ इंटू 10 प्लस 18 करोगे तो कितना होगा, 28 का हाफ हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेंस रेट इन स्टील वाटर 14 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट अगेन और एक आपसे पूछा है, एंड द रेट ऑफ करेंट, यानी स्पीड ऑफ करंट भी आपसे पूछ रहा है. तो स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड रेट ऑफ करंट, अगर ये फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे. तो देखोगे यानी ये क्या था, y किलोमीटर पर आवर था, है ना, हम लोग एज्यूम जो किए थे y किए थे. तो y कैसे होता है, ये अब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम अगर गिवेन है तो क्या करेंगे हम लोग, डाउन से अप को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया. यानी हो जाएगा आपका हाफ डाउन, तो डाउन में कितना है 18, एंड देन माइनस 10, ये हो गया आपका हाफ इंटू 18 से 10 गया यानी 8, तो 8 का हाफ हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ. तो दोस्तों बोट इन स्ट्रीम के आज मैंने कुछ कंसेप्ट को मैंने दिखाया और कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने करवाया. तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके.